नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। रामनगरी अयोध्या में तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर के आसपास राम मंदिर की बुनियाद के लिए 1200 पिलर के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा और पिलर का निर्माण कार्य जून 2021 तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद बुनियाद के ऊपर का काम शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस समय पिलर की टेस्टिंग का काम चल रहा है। ट्रस्ट की माने तो एक बार टेस्टिंग का काम पूरा होने के बाद राम मंदिर निर्माण और तेजी से होगा। टेस्ट पिलर का निर्माण हो रहा है, आगे 1200 पिलरों का निर्माण होगा। उसके बाद उसके ऊपर एक प्लेटफार्म बनेगा, एक राफ्ट का प्लेटफार्म बनेगा। उस प्लेटफार्म के ऊपर ऐसे 6 फुट का और क्यूब ढांचा बनेगा। उसके बाद उसके ऊपर मंदिर के पत्थर रखे जाएंगे और मंदिर का निर्माण होगा। बदायूं के उझानी सर्किल के सीओ अनिरुद्ध सिंह की पहल अब रंग लाई है। सीओ ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया और इलाके में क्राइम को कम करने की कोशिश की। उनकी यही कोशिश अब सफल हुई है। सीओ ने बताया कि कुछ इलाकों में नक्सलियों का भी कब्जा था। सीओ ने नक्सलवाद को कम करने के साथ इन लोगों के घर की महिलाओं से संपर्क किया और जुर्म की दुनिया छोड़ने के लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में प्रशासन और स्थानीय विधायक ने मिलकर बेरोजगार महिलाओं को सिलाई मशीन और छात्रों को साइकिल सहित दिव्यांगों को ट्राई साइकिलों की वितरण किया। ईमानदारी का काम करेंगे, इतने शराब बेचते थे, खाते थे। अब ईमानदारी का काम करेंगे, कपड़े सिलेंगे, घर का काम चलाएंगे, इससे खर्चा चलाएंगे घर का। देखिए, ये पूरे हिंदुस्तान में बाबरिया नाम से अपराधी फेमस हैं। इस गांव की, हिंदुस्तान की लगभग जेलों में लोग बंद हैं 40 के आसपास, और वहां से अपराध करके जो पैसा लाते थे उससे मंदिर बनाते थे, गलत कामों में रहते थे। यहां बच्चे और जो महिलाएँ होती थी, महिलाएँ कच्ची दारू दारू बनाती थी और बच्चे अवैध शस्त्र निर्माण करते थे, जिनको भी मैंने अभी पिछले दिनों देखा होगा, आपने जेल भेजा, और महिलाओं को भी भेजा जो दारू बना रही थी। फिर मैंने इनकी हकीकत में गया कि क्यों करते हैं ये, तो देखा कि ये 1856 में राजस्थान से माइग्रेट होके आए। इनका कोई आय का साधन नहीं था, नदी के किनारे बंजर ज़मीन पर बस गए। इन्होंने चोरी को पेशा बना लिया और पीढ़ी दर पीढ़ी इसे बच्चों को चोरी के बारे में ही बताते गए। कभी इन्होंने या इन्हें लोगों ने बनने नहीं दिया या ये स्वयं उसमें ढल गए। कोई इन्हें ऐसा कभी मार्ग दिखाने वाला नहीं मिला कि आप ईमानदारी का खा सकते। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, जब मैंने तमंचा वाले को पकड़ा तो उसने बताया कि 5 दिन में 1 तमंचा बनता है और 1000 रुपये मिलता है। तो मैंने इससे कहा, अगर मनरेगा में आप मजदूरी करोगे तो आपको 5 दिन में 1500 रुपये मिलेगा, 500 रुपये ज़्यादा मिलेगा और इज्जत की मिलेगी। वो इनको समझ नहीं थी। इनकी 80 रुपये लीटर दारू बिकती है, 10 लीटर ये 10 दिन में बनाती हैं और इन्हें 800 मिलता है और इतना शोषण होता है। वही अगर मनरेगा में काम करते हैं तो इनको 3000 रुपये मिलता है और ईमानदारी का मेहनत करके आदमी खाएगा सोएगा। आजमगढ़ के नंदगांव में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कोटेदार और प्रधान का पक्ष रखने के लिए तहसील परिसर पहुंचे। यहां ग्रामीणों ने कहा कि कुछ अज्ञात लोग ने कोटेदार और प्रधान के खिलाफ झूठी शिकायत की। इसी के साथ ग्रामीणों ने एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन अधिकारी के पास पहुंचने पर ग्रामीणों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से तहसील परिसर में अफरा तफरी मच गई। सरकार के रेपिस्ट के पोस्टर चौराहे पर लगाने वाले आदेश पर उन्हें विपक्षी पार्टियां तंज कस रही हैं। अलीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि पहले मौजूद बलात्कार के आरोपियों की गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी के साथ कार्यकर्ताओं ने मांग की कि सजा के साथ उनके पोस्टर को भी चौराहे पर लगाया जाए। आज हमारा जो प्रदर्शन चल रहा है, तो योगी सरकार ने जो ऐलान किया था, प्रत्येक जिले में प्रत्येक चौराहों पर हम अपराधियों बलात्कारियों के फोटो लगाकर लोगों को जागरूकता फैलाएंगे, उन पर लानत भेजेंगे। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से हम योगी सरकार से कहना चाहते हैं कि जो आपके कैबिनेट में मंत्री हैं या आपकी पार्टी के नेता हैं अपराधियों बलात्कारियों, सबसे पहले आप अपने घर से शुरुआत करें ताकि एक पॉजिटिव मैसेज जाए। अगर आप उसके अपने घर से ये शुरुआत नहीं करते तो हम लोग और ये जनता ये समझेगी आप उसके साथ में खड़े हैं। अगर आप पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं तो आप अपने घर से अभियान शुरू करें ताकि हमें लगे कि आप अपराधियों के खिलाफ हैं, आप बलात्कारियों के खिलाफ हैं।
फतेहपुर के बिजली कर्मचारियों ने विभाग में निजीकरण को खत्म करने के लिए प्रदर्शन किया। पटेल नगर चौराहे के पास कर्मचारियों ने मशाल लेकर विरोध किया। प्रदर्शन करने वाले बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की, साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि वो बिजली विभाग का निजीकरण ना करें। मशाल जुलूस का कार्यक्रम जो केंद्र से निर्धारित है शाम 5 बजे से 7 बजे तक होना है, अगर इसमें किसी प्रकार की व्यवधान होती है तो हम सारे बिजली घर के सारे सदस्य यहाँ के आए हुए हैं, अगर किसी प्रकार के व्यवधान का शासन प्रशासन रुकती है मैं हम लोग इसी जगह बैठ जाएंगे और सारी सप्लाई बंद हो जाएगी, इसके जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगी, यही मैं कहना चाहूँगा। और मेरा और जुलूस चलेगा अपने शब्दों का समाप्त। मांग हमारी है कि जो निजी कार्य हो रही है इसको पहले भी कह रहे थे लेकिन हमारी संगठन से वार्ता भी हुई थी, उन्होंने कहा कि बिना आप लोग के सहमति के हम लोग नहीं प्राइवेटाइजेशन करेंगे, लेकिन बिना सहमति के लोग प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। हमीरपुर में पुलिस की शर्मनाक हरकत सामने आई है। पुलिस पर आरोप लगा है कि थाने में उन्होंने दलित महिला को थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया और महिला के साथ हुई बर्बरता का वीडियो भी बनाया गया। कहा यह भी गया है कि कस्टडी में पूछताछ के समय पुलिस ने महिला के साथ बदसलूकी की और वीडियो सामने आने के बाद भी कोतवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। थाना कोतवाली जनपद हमीरपुर के संबंध में एक वीडियो सोशल मीडिया और ट्विटर पर वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार की बात दिखाई जा रही है। इस संबंध में जानकारी की गई तो पता चला कि इधर बीच कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, यह घटना काफ़ी पहले की प्रतीत हो रही है और इस संबंध में जांच के आदेश दिए गए। सीओ सदर जांच करेंगे, जांच की रिपोर्ट आने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भू माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत दबंगों के चंगुल से पीड़ितों के जमीन को भी छुड़वाया गया लेकिन कुछ रईस दबंगों की वजह से अभी भी पीड़ितों की जमीन कब्जे में है। इसके लिए पीड़ित कई बार डीएम को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं, बावजूद इसके कोई कार्रवाई या कोई सुनवाई नहीं हुई। इस मामले में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई जिसमें कुछ महिलाओं सहित कई लोग घायल भी हुए हैं। जिलाधिकारी को 2 बार एप्लीकेशन करी है, कोई सुनवाई नहीं है। क्यों? एसडीएम मिले थे दबंग लोगों के वजह से है। जो हम तहसील में अपनी शिकायत करने जा रहे तो वे हमें बैठा लेते है, 5 घंटा हमें अंदर बंद कर रखा। कहाँ पर? करेल तहसील में। हाँ, तहसील में जो हमने अपनी शिकायत करी। अच्छा, शिकायत करने के तो तुम्हें 5 घंटा बैठा लिया, किसने बैठा लिया? दरखास्त का हमारे साथ में ये हरकत लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो किसने बैठा लिया था तुम्हें? एसडीएम साहब ने। ओपनिंग है? नहीं, मिट्टी आप मतलब प्लान कर रहे थे तो रास्ता डाल रहे थे ना? नहीं, रास्ता। अच्छा, वो खेत किसका है? हमारा। तुम्हारा खेत है? और पीड़ित बता रहा है उनका खेत है? नहीं है, वो तो सब कुछ हम पे आदेश है। भाई, ग्रामीणों का कहना ये है कि आप बहुत दबंग आदमी है उस गांव के। सर, ये तो सब आदमी आरोप ये भी लग रहा है कि आप जो है ना अपहरण के मामले में, चोरी के मामले में जेल भी गए हैं। एनटी को आदमी आतंकवादी बताता ही है जी। आप हमारा रिकॉर्ड पालो। वो कोई दो पक्षों में विवाद है ये पता लगा है और वहाँ पुलिस है, शांति व्यवस्था है, इस तरह का कोई विवाद वहाँ है नहीं और जो भी विवाद है शॉर्ट आउट कर दिया जाए। सड़क का कोई मसला इस तरह का मेरे संज्ञान नहीं आया। अगर कोई मिट्टी की डाली है तो उन्होंने अपने आप की डाली होगी और उसको देख करके शॉर्ट आउट कर दिया जी। कोई विवाद नहीं, विवाद खत्म कर। संबल के मुख्य विकास अधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। दरअसल मुख्य विकास अधिकारी ने काम में लापरवाही बरतने के मामले में 52 अधिकारियों के वेतन को रोक दिया और प्रधानों के खातों को भी सीज कर दिया गया है। जानकारी दी गई है कि 18 लाख की कीमत के पंचायत घर बनने थे जिसमें इन लोगों ने भारी लापरवाही की। इस मामले में डीएम ने साफ तौर पर कहा है कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मैनपुरी के थाना करहल क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने एक बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी। बुजुर्ग की हत्या पर पुलिस वालों का कहना है कि जमीनी विवाद के चलते ही बुजुर्ग की हत्या की गई है। हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए स्थानीय लोगों से पूछताछ की, उसके बाद शव को जाँच के लिए भिजवा दिया है। करहल के ग्राम मनोना में कप्तान सिंह यादव हैं, इनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है। तो रात्रि में इनकी कुल्हाड़ी मारकर मृत्यु कारित कर दी गई है। आज सवेरे इसकी सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर प्रभारी निरीक्षक करहल, सीओ करहल और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मृतक का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। घटना के कारणों की और जिस व्यक्ति द्वारा यह हत्या कारित की गई उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। सीतापुर के महमूदाबाद कोतवाली में मासूम बच्ची के साथ एक युवक का शव बरामद हुआ है। परिजनों ने बताया कि दोनों घर से घूमने के लिए निकले और लापता हो गए, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की तो पास के तालाब में दोनों का शव बरामद हुआ। तालाब से शवों को निकालकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये पवन गुप्ता हैं, ये महमूदाबाद कस्बे के रहने वाले हैं। इनकी एक 10 साल की बच्ची और इनका एक भांजा है 20 साल का। ये कल रात को 11 बजे के लगभग थाने पे आए थे कोतवाली में, महमूदाबाद में। इनका ये कहना था कि हमारा भांजा और बेटी ये साइकिल से खेलने निकले थे और ये लोग अभी वापस नहीं आए। इस संदर्भ में रात में ही मुकदमा दर्ज हो गया था और 3 टीमें हमने निकाला था और PRP भी के रोड के आसपास और अगल बगल जो भी संभावित स्थल है, हो सकता है अंधेरे में कहीं एक्सीडेंट हो गया या कोई बात हो गई हो, पूरा खुजवाया, लेकिन वो बच्चे मिले नहीं। सुबह एक तालाब है बगल में रोड के किनारे ही, तो वहाँ इन बच्चों की डेड बॉडी उसी में मिली है। ये लड़का उस बच्ची को गोद में लिए हुए है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आते जाते समय किसी कारणवश इसकी साइकिल पूरे तालाब में गिरी है और ये उस बच्ची को बचाने में खुद भी डूब गया है और बच्ची भी डूब गई है। यही इंसिडेंट हुआ है, बाकी इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है की जा रही है।